नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है। महापंचायत में पहुंचने के लिए सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था। करीब सवा घंटे बाद 11:15 बजे महापंचायत शुरू हुई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी भी पहुंच गए हैं। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि देश भर से कई बड़े किसान नेताओं का समर्थन मिल रहा है। करनाल की जमीन पर सैलाब आएगा। हरियाणा सहित तेलंगाना, पंजाब, केरल, दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश से किसान नेता महापंचायत में आए हैं। उन्होंने कहा, हम पहले मिशन में कामयाब हो गए। पुलिस प्रशासन ने रोकने की कवायद तो की, लेकिन महापंचायत शुरू हो गई है। अब दूसरे मिशन लघु सचिवालय के घेराव के लिए मंच से फैसला लिया जाएगा। चंदूनी ने कहा, मंच में संयुक्त रूप से साझा निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद मंच से ही निर्णय बता दिया जाएगा। हम हर हालत में कामयाब होंगे। आपको बता दें, किसान महापंचायत में लगभग 4000 की किसानों को गुरुनाम सिंह ने 11:30 बजे संबोधन शुरू किया है। इस दौरान किसान ने नारेबाजी भी की। किसान महापंचायत शुरू होते ही जिला सचिवालय को जाने वाले मार्ग पर पुलिस सतर्क हो गई और रास्ते में रेत बजरी के डंपर खड़े कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं कहां कहां पुलिस का पहरा है। अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत के चलते सुरक्षा की हिदायत से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बड़ी बाईपास, अग्रसेन चौक, अंबेडकर चौक, बस स्टैंड, नमस्ते चौक, आईटीआई चौक, सेक्टर 6 चौक, हांसी रोड, चिढ़ाओ मोड़ स्थित पिंगली चौक के पास पुलिस का पहरा है। महापंचायत से पहले ही करनाल में तेज बारिश हो रही है। वहीं महापंचायत की वजह से प्रशासन भी अलर्ट है। करनाल में धारा 144 लागू है। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर रूट डाइवर्ट किया गया। करनाल, पानीपत सहित 5 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी गई है। वहीं भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो जारी। 10 बजे तक नई अनाज मंडी का शेड पूरा खाली था। स्टेज पर कोई नहीं था। अनाज मंडी के 5 गेट पर पुलिस तैनात है। पुलिस की एक टुकड़ी तैनात की गई है। महापंचायत अपने निर्धारित समय से करीब 2 घंटे देरी से शुरू हो सकती है। अब आपको बता दें कि चंदूनी ने भी अपील की है। चंदूनी ने वीडियो जारी कर कहा, पुलिस ने अनाज मंडी में पंचायत को लेकर नाके लगाकर सील कर दिया गया था। वहीं अब मैसेज आया है कि पुलिस नाके खोल कर दिया गया है, किसी को रोका नहीं जाएगा। चंदूनी ने कहा कि अब साथियों से अपील है कि शांति से मंडी में पहुंचना है, हुल्लड़बाजी और हंगामा नहीं करना है। रास्ते में पुलिस खड़ी हो तो उनसे कुछ नहीं बोलना है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा। किसी साथी ने गड़बड़ी की तो आंदोलन टूट जाएगा। किसी को कोई गड़बड़ नहीं करनी है। पुलिस का मैसेज आ गया है कि सारे बैरिकेड्स हटा रहे हैं। वहीं किसान पंचायत में फैसला लिया जाएगा। करनाल अनाज मंडी में एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। सुबह 8 बजे से ही बूंदाबांदी के बावजूद करनाल अनाज मंडी में किसान इकट्ठा हुए थे। पयोट टोल और बसताड़ा टोल पर रणनीति तैयार करने के बाद किसान नारेबाजी करते हुए अनाज मंडी पहुंचे और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी। किसानों के आवागमन बढ़ने के साथ साथ हालत नाजुक बने हुए है। एक तरफ किसान जहां अपने जिद पर अड़े हैं, वहीं किसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा का सख्त पहरा लगाया है। लघु सचिवालय के आसपास रात से ही पुलिस व सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई और सुरक्षा की हिदायत से सुबह वाटर कैनन के अलावा रेत बजरी के डंपरों से सड़कों को बंद करना शुरू कर दिया गया। किसानों की लघु सचिवालय घेराव की चेतावनी के बाद पूरी रात प्रशासन शहर की मोर्चाबंदी करता रहा। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के साथ औद्योगिक क्षेत्र निर्मल कुटिया सहित हाईवे से जुड़े शहर के लिंक रोड पर पुलिस नाकों की तैनाती की गई। सुबह से ही डीसी निशांत कुमार यादव, एसपी गंगा राम पुनिया के अलावा प्रशासनिक अधिकारी नाकों का मुआयना करते दिखाई दिए गए। सादी वर्दी में पुलिस के जवान किसानों की मूवमेंट की उच्च अधिकारियों को जानकारी देते हुए दिखाई दिए। अब आपको बता दें, शहर के प्रत्येक एंट्री पॉइंट पर पुलिस नाके के चलते व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखा।
10:30 बजे तक बाजारों में रोजाना के मुकाबले वाहनों की संख्या कम दिखाई दी। केवल शहरवासी ही दोपहिया वाहन से जरूरी काम से घर से निकलते दिखाई दिए, जबकि आसपास से आने वाले चार पहिया वाहनों की संख्या काफी कम थी। बाजार में छुट्टी जैसे हालात बने हुए हैं। इसी तरह सेक्टर 12 के आसपास अधिकतर सड़कों पर आमजन के अलावा खाकी वर्दी का पहरा भी दिखाई दिया। हरियाणा सरकार के आदेशों के बाद कई जिलों की पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स बुला ली गई है। सरकार ने करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद और पानीपत में भी सोमवार रात 12 बजे से इंटरनेट व एसएमएस सेवा बंद कर दी है। ये पाबंदी मंगलवार रात 12 बजे तक लागू रहेगी। पुलिस प्रशासन का दावा है कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। आपको बता दें कि अनाज मंडी में बड़ी संख्या में फोर्स पहुंच रही है। ट्रकों और डंपरों को खड़ा किया गया है, साथ ही हाईवे की तरफ जाने वाले रास्ते पर बांस बैरिकेड्स और तारों को लगाया गया है। दमकल की गाड़ियों को तैनात किया गया है। आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स को बुला ली गई है। अनाज मंडी में काफी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान सहित सुरक्षा बल तैनात है। अधिकारियों की अपील है कि लोग घरों से बाहर बेवजह ना निकले। शांतिपूर्ण तरीके से किसानों की बात सुनी जाएगी। महिला पुलिस को भी बुलाया गया है। किसान महापंचायत में फैसले के बाद लघु सचिवालय का घेराव करने जा सकते हैं। अनाज मंडी के रास्ते को सील किया जा रहा है, बैरिकेड्स तारों को लगाया जा रहा है, साथ ही आंसू गैस दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई है। इस खबर से जुड़ी और अधिक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। कृषि से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fasalkranti.in पर भी ले सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।